हे ऑल, सो लास्ट वीडियो में हम फॉर्म को सेट कर चुके हैं पीएचपी में सबमिट करने के लिए एंड नाउ वी आर रेडी टू सबमिट द डाटा इनटू द डेटाबेस। लेकिन सबसे पहले हमें बटन को एक नेम एट्रीब्यूट देना होगा, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया, वी आर यूजिंग पीएचपी। सो पीएचपी में इसकी वैल्यू को ग्रैब करने के लिए हमें नेम एट्रीब्यूट की ज़रूरत पड़ेगी, एंड अगर आप जावास्क्रिप्ट का या एजाक्स का यूज़ करने वाले हैं तो आईडी। ओके, नाउ हम चलते हैं टॉप पर, क्योंकि हम फॉर्म को इसी पेज पर सबमिट कर रहे हैं। ओके, सो फॉर दिस आपको जाना है इंक्लूड के बाद या रिक्वायर के बाद आपके कॉन्फ़िगरेशन फाइल के ठीक नीचे। ओके, एंड यहाँ पर आपको चेक करना है इफ इस सेट डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट एंड बटन का नाम विच इज सबमिट। ओके, सो व्हाट इज दिस, ये क्या है? वेल, यहाँ पर इफ एक कंडीशन एंड डिसीजन मेकिंग कंडीशन। ओके, एंड इस सेट जो है वो चेक कर रहा है कि आपने जो यहाँ पर इनपुट दिया है डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट सबमिट, उसकी वैल्यू सेट है या नहीं है। ओके, अगर सेट है तो दिस कोड विल बी एग्जीक्यूटेड। ओके, और अगर नहीं है तो ये कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। ओके, एंड डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट जो है वो एक सुपर ग्लोबल है। पीएचपी में 3 सुपर ग्लोबल होते हैं फॉर्म डेटा कलेक्ट करने के लिए, डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, देन डॉलर अंडरस्कोर गेट एंड डॉलर अंडरस्कोर रिक्वेस्ट। ओके, सो ये कैसे डिसाइड करते हैं कि कब पोस्ट यूज़ करना है, कब गेट यूज़ करना है और कब रिक्वेस्ट यूज़ करना है? वेल, सिंपल है, आपकी फॉर्म की मेथड पे डिपेंड करता है। अगर आपकी फॉर्म की मेथड है पोस्ट, तो इसकी जितने भी इनपुट्स हैं उनकी वैल्यूज़ को आप डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट के थ्रू कलेक्ट करेंगे। अगर आपके फॉर्म की वैल्यू है गेट, तो आप डॉलर अंडरस्कोर गेट सुपर ग्लोबल का यूज़ करके आपके फॉर्म का डाटा कलेक्ट करेंगे। और अगर आप नहीं जानते कि फॉर्म की मेथड गेट है या पोस्ट है, तो आप डॉलर अंडरस्कोर रिक्वेस्ट का यूज़ करेंगे। सो डॉलर अंडरस्कोर रिक्वेस्ट के थ्रू आप गेट और पोस्ट दोनों मेथड्स के फॉर्म की डाटा वैल्यूज़ कलेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो फॉर नाउ वी नो कि मैथड जो है वो पोस्ट है, इसलिए वी आर यूजिंग डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट। ओके, एंड इसे प्रैक्टिकली करके देखते हैं। सो इफ इस सेट डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट सबमिट इको इट इज सेट। ओके, एंड एल्स इको इट इज नॉट सेट। नाउ गो टू द ब्राउजर एंड रिफ्रेश। सो जैसे रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पर आ रहा है इट इज़ नॉट सेट। ओके, अब जैसे मैं साइन अप पे क्लिक करता हूँ, तो देखिए यहाँ पर आ रहा है इट इज़ सेट। ओके, सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। अगर वैल्यू सेट है तो हम आगे एग्जीक्यूट करेंगे कोड को, एंड वैल्यू हम तभी सेट करेंगे जब हमारा फॉर्म जो है वो पूरी तरह वैलिड होगा एंड डाटा को हमें सबमिट करना होगा तब। ओके, सो लेट्स गो फॉर इट। हमारे पास जो वैल्यूज़ है वो है फुल नेम, ईमेल, यूज़र नेम एंड पासवर्ड, एंड इनके नेम एट्रीब्यूट की वैल्यू आपको यहाँ पर याद रखना है। फुल नेम, ईमेल, एंड हियर इज आल्सो एन ईमेल, दिस इज़ यूज़र नेम, ओके, एंड पासवर्ड। सो इनकी भी जो मेथड है वो पोस्ट है, क्योंकि पूरे फॉर्म की मेथड ही पोस्ट है। सो डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट देन स्क्वायर ब्रैकेट सुपर ग्लोबल अरे है, एंड इनकी नेम एट्रीब्यूट की वैल्यू, सो फर्स्ट इज फुल नेम। ओके, देन इसे हम ले लेंगे एक वेरिएबल में, लाइक डॉलर फुल नेम इक्वल टू दिस। नाउ इसी तरह डॉलर ईमेल इक्वल टू डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट ईमेल, एंड लाइक दैट डॉलर यूजर नेम इक्वल टू डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट यूजर नेम, एंड डॉलर पासवर्ड इक्वल टू डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट पासवर्ड। ओके, सो ये जो वीडियोस हैं पर्टिकुलर दिस सीरीज, ये मैं बिगिनर्स के लिए बना रहा हूँ, तो इसलिए यहाँ पर मैं आपको बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ, एंड हम ज़्यादा सिक्योरिटी में नहीं जा रहे हैं अभी। अगर हम वैलिडेशन सिक्योरिटी में जाएंगे तो द थिंग्स विल बी सो कॉम्प्लिकेटेड, एंड बिगिनर्स के लिए
हम एरर हैंडलिंग देखेंगे, वेरिएशंस देखेंगे एक बेसिक क्रड एप्लीकेशन कंप्लीट करने के बाद. ओके, सो जस्ट बेसिकली मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह क्रड ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं विदाउट एनी सिक्योरिटी. ओके, एंड सिक्योरिटी हम ऐड करेंगे जस्ट इन लेटर वीडियोस. सो नाउ हमने जितनी भी वैल्यूज़ हैं इनको यहाँ पर ले लिया है हमारे वेरिएबल्स में. नाउ यू कैन चेक देम, इको लाइक डॉलर फुल नेम then dollar email and like that dollar username space and dollar password. Okay, so John Doe and some mail and mail and 123 and sign up. Okay, so John Doe, then my email, then this is username and this is password. So we got the values. Ab inhe hame submit karna hai. So submit karne ke liye hame use karna hogi MySQL ki query, which is insert into, okay, then space table name. So aapko jana local host mein and table name hai yahan par users. सो आपको इसे इसी तरह लिखना है यूज़र्स को. आप चाहे तो इसे यहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं, लाइक सेलेक्ट इट, कॉपी इट एंड पेस्ट इट हियर. ओके, सो इंसर्ट इनटू यूज़र नेम. यूज़र नेम में आपको कहाँ कहाँ पर ये वैल्यूज पुट करना है, लाइक फुल नेम, यूज़र नेम, ईमेल और पासवर्ड में आपको डालना है. सो फुल नेम कॉमा ईमेल कॉमा यूज़र नेम कॉमा पासवर्ड में. ओके, देन कैपिटल में आपको लिखना है वैल्यूज़. वैल्यूज़ के बाद फिर से ब्रैकेट, देन यहाँ पर अगर आप सबसे पहले लिख रहे हैं फुल नेम तो आपको यहाँ पर लिखना है डॉलर फुल नेम सिंगल कोट्स में. ओके, देन कॉमा, देन फिर से सिंगल कोट्स एंड अगेन आप यहाँ पर लिख रहे हैं ईमेल सेकंड नंबर पे तो आपको सेकंड नंबर पे देना है लाइक डॉलर ईमेल कॉमा अगेन सिंगल कोट्स देन लाइक दैट डॉलर यूज़र नेम देन कॉमा डॉलर पासवर्ड. ओके, देन टर्मिनेशन. सो ये हमने क्वेरी लिख ली है लाइक डॉलर क्वेरी. ओके, अब इस क्वेरी को हमें फायर करना है. सो डॉलर फायर इक्वल टू माई एस क्यू एल आई क्वेरी के थ्रू आप क्वेरी फायर करते हैं तो आपको यहाँ पर दो पैरामीटर पास करना होते हैं. पहला होता है आपका कनेक्शन वेरिएबल जो है आपकी कॉन्फिग डॉट पी एच पी में, विच इज़ डॉलर कॉन. ओके, सो डॉलर कॉन कॉमा. सेकेंड पैरामीटर होता है आपकी क्वेरी. सो डॉलर क्वेरी, और अगर क्वेरी एग्जीक्यूट नहीं होती है तो स्क्रिप्ट को डाई कर दिया जाएगा एंड एक एरर मैसेज शो किया जाएगा कैन नॉट इंसर्ट डाटा इनटू डेटाबेस. ओके, एंड यहाँ पर आप एरर चेक भी कर सकते हैं लाइक डॉट लगाकर माई एस क्यू एल आई एरर के थ्रू आप एरर चेक कर सकते हैं. एंड आपको यहाँ पर एक पैरामीटर पास करना होता है जो होता है आपका कनेक्शन वेरिएबल विच इज़ डॉलर कॉन. ओके, यहाँ पर कई बार कन्फ्यूजन होता है कि आपको पैरामीटर में डॉलर कॉन देना है या क्वेरी देना है, तो आपको यहाँ पर कॉन देना होता है. ओके, देन इफ़ डॉलर फायर एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली तो इसे मैं यहाँ पर इस तरह लिख सकता हूँ इको डाटा सबमिटेड टू डेटाबेस. ओके, नाउ सेव इट एंड लेट्स चेक इट इन द ब्राउजर. रिफ्रेश, रीलोड इट. ओके, नाउ फुल नेम विनय सिंह, ईमेल एंड सम यूज़र नेम लाइक एडमिन एंड पासवर्ड 1 2 3 4 5. नाउ सबमिट इट. सो डाटा सबमिटेड टू डाटाबेस, कॉन्ग्रेचुलेशंस. हम चलते हैं डाटाबेस में एंड ब्राउज करते हैं यूजर्स टेबल को. ब्राउज एंड ये देखिए यहाँ पर डाटा आ चुका है एंड यहाँ पर पासवर्ड आ रहा है 1 2 3 4 5. सो पासवर्ड जो है बिल्कुल भी सिक्योरली नहीं जा रहा है जबकि पासवर्ड हमें सिक्योरली सेंड करना होता है. सो पासवर्ड को हम इनक्रिप्ट करेंगे MD5 मेथड के थ्रू. आपको इस तरह पासवर्ड को इनक्लोज कर देना है MD5 में. नाउ सेव इट एंड नाउ रीलोड द पेज वंस अगेन एंड टेस्ट अगेन. सो जॉन डो एंड जॉन एट मी डॉट कॉम एंड जॉन एंड पासवर्ड लाइक अगेन 1 2 3 4 5. नाउ साइन अप. डाटा सबमिटेड टू डाटाबेस एंड ब्राउज
एंड अब देखिए यहाँ पर पासवर्ड जो वो सिक्योरली इनक्रिप्टेड हो चुका है MD5 मेथड के थ्रू. सो दिस इज़ हाउ वी सेंड द पासवर्ड इनटू द डेटाबेस. ओके सो हमने क्रड ऑपरेशन में से क्रिएट ऑपरेशन परफॉर्म कर लिया है. नेक्स्ट वीडियो में हम रीड करने वाले हैं डाटा को. सो दैट विल बी द रीड ऑपरेशन. सो कीप प्रैक्टिस. सी इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस.